नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। अब ये कि बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट्स चेक किए जाते हैं, सारा बायोडाटा चेक किया जाता है और इस वजह से जो है, और जो अहमदियाज हैं ये भी इनको भी शायद बताना पड़ता है, इनके पासपोर्ट में होता है, इन पे बहुत ज़्यादा शक किया जाता है कि ये जाएंगे 15 डेज का कह के और फिर वापस नहीं आएंगे। हमारे यहाँ के लोगों का ज़्यादातर प्रॉब्लम यही है कि जब वो निकल जाते हैं तो फिर वो मेजॉरिटी जो है वो वापस नहीं आती। अगर कोई ग्रुप गया है तो दो तीन लोग चले जाएंगे और एक दो वहीं पर रुक जाएंगे। तो ये कर करके भी जो है ना, पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन काफ़ी ख़राब कर ली है, जिसकी वजह से अब बहुत आसानी से ना तो एम्बेसीज वीज़ा देती हैं और ना ही कोई जैसे कोई टूर जा रहा हो या कोई टूरिस्ट ग्रुप जा रहा हो, ना ही वो उनको शामिल करता है। लेकिन ये चीज़ अभी तक बढ़ी नहीं है, मगर उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। और ये लोग अभी तक कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका काम ही सिर्फ ये है, वो कुछ और करते ही नहीं, वो सिर्फ यही जुगाड़ में रहते हैं कि किसी तरीके से ना वीज़ा लग जाए किसी का और फिर उसको आगे निकाल दें। और इसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, बहुत बार हमने ऐसे लोगों के नाम भी सुने जो जिनको हम कहना चाहिए बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, ये ड्रामा बनाने के लिए और कभी फिल्म बनाने के लिए, कभी कोई और एग्जीबिशन के नाम पे लोगों को ले जाते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे एक आधा पकड़े भी गए हैं, लेकिन ये चीज़ हो रही है। कोविड वैक्सीन की सिचुएशन पाकिस्तान में किल्लत हो गई। पाकिस्तान ज़्यादातर वैक्सीन चाइना से आई थी और चाइना की वैक्सीन की प्रोडक्शन बहुत है, लेकिन फिर भी किल्लत हो गई पाकिस्तान में और तल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के चीन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान में रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन भी आ रही है, एस्ट्रा जैनिका भी आ रही है, मुझे और मालूम नहीं मेडर्ना या फाइज़र वहाँ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, लेकिन ये तो मालूम है कि साइनो वैक्सीन जो है उनकी चाइना की वो आ रही है। तो क्या जो वैक्सीन की किल्लत है वो आपको कुछ उसका गैप पूरा होता नज़र आ रहा है या क्या खबरें हैं ग्राउंड पर? नहीं सर, वैक्सीन तो अभी इनके पास कम है और देखें, किसी को जो है ना कोई भी चीज़ फ्री में जो दी जाती है उसकी कोई लिमिट होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप किसी से कहें कि जी मेरे घर में राशन डाल दो, फिर उसको कहें ऐसा करो कि तुम 3 महीने के लिए पूरा घर अपने जिम्मे ले लो हर चीज़, ऐसा नहीं हो सकता। इनको कुछ वैक्सीन फ्री मिली थी, उसके बाद इनको अरेंज करनी पड़ रही है इनसे कई कंट्रीज। चाइना का भी सुना है कि चाइना ने कहा है कि अगर और चाहिए तो पैसे दो, तो ये चाइना से इनके टर्म्स अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। चाइना इनको आंखें भी दिखा रहा है, चाइना इनको इनकी बात भी नहीं सुन रहा है और जितने लोन्स ये ले सकते थे अभी तक वो ये ले चुके हैं। अब इनके ये कह देने से कि चाइनीज़ हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई तो नहीं हो जाएंगे, उनके साथ एक उनका हर किसी के साथ बल्कि एक बिजनेस रिलेशन है और उसी को लेके वो चलते हैं। अगर वो उन्हें फ़ायदा नहीं होगा तो वो काम नहीं करेंगे, उनको अगर भारत से फायदा होगा तो कल को वो भारत साथ मिला लेंगे। लेकिन इन्होंने जब फ्री वैक्सीन मिली थी उस वक्त इनको चाहिए था कि ये कुछ बंदोबस्त कर लेते कहीं और से या कुछ पैसों का या कुछ भी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये जैसे कहते हैं ना कि बस आज का दिन निकल जाए, बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे रहते हैं जो कहते हैं बस आज का दिन निकल जाए, कल की कल देखी जाएगी, तो इन्होंने वही किया और वैक्सीन हो गई इनके पास ख़त्म। अब ये जो अपनी वैक्सीन कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान भी वैक्सीन बना रहा है और चाइना की मदद से बना रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो वैक्सीन लगाने के लिए कोई भी पाकिस्तानी तैयार होगा। पाकिस्तानी तो अभी चाइनीज़ वैक्सीन के ऊपर जो है वो परेशान है कि पता नहीं लगाइए तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो पाकिस्तान की वैक्सीन जो है वो तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोई मुश्किल है इनको, कि मतलब कोई गाँव के लोग हों जिन्हें बिल्कुल ही कुछ ना पता, उनको जाके लगा के टेस्ट कर लें तो और बात है, वरना जो भी बड़े शहरों में लोग रहते हैं या जिसको भी थोड़ी सी भी अकल समझ है वो पाकिस्तान वैक्सीन के ऊपर तो कम से कम नहीं जाएगा। तो इनके साथ हुआ ये है कि इन्होंने जिस टाइम पे फ्री मिल रही थी उस वक्त इन्होंने ना तो फंड्स का कोई अरेंजमेंट किया ना किसी और से बात की, तो ऑब्वियसली
खत्म हो गई है वैक्सीन, और अब इनको इवन मुझे सेकेंड डोज के लिए मुझे नहीं अभी तक मैसेज आया, मैंने चेक किया तो उन्होंने कहा अभी हमारे पास नहीं है। तो ये सूरत हाल है, और इस पे वो इमरान खान साहब जैसे कहते हैं ना, घबराना नहीं है, तो बस घबराना नहीं है, लेकिन ये कि लोग बेचारे घबरा रहे हैं जिन्होंने बाहर जाना है और उनको वैक्सीन नहीं लगी है और उनकी जॉब्स जो है वो खत्म होने पर है, अगर वो ऐसा कुछ ना हो पाया वो ना जा सके। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूँ, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ये कोरोना वायरस की वैक्सीन केवल और केवल भीख में चाहता है, और अभी इसको जितनी भी वैक्सीन मिली है वो सारी भीख में मिली है। दोस्तों आपको बता दूँ, पाकिस्तान में लगभग लगभग 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है, ये पाकिस्तान का डेटा है। और उन वैक्सीन में ज़्यादातर वैक्सीन है जो 99% वैक्सीन है वो चाइनीज़ वैक्सीन है। उसके अलावा बहुत कम अमाउंट में, मतलब 1 लाख वैक्सीन US से आई थी फाइजर की भीख में, और कुछ वैक्सीन आई थी स्पुतनिक रशियन वैक्सीन, लेकिन ज़्यादातर वैक्सीन है वो चाइनीज़ वैक्सीन है। चाइनीज़ वैक्सीन को लगवाकर पाकिस्तानी हज पर भी नहीं जा सकते। चाइनीज़ वैक्सीन को दूसरे देश अभी अप्रूवल ही नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों पाकिस्तान को मिलने वाली थी भारत से 4.5 करोड़ वैक्सीन, लेकिन सिचुएशन ऐसी कुछ ख़राब हुई कि भारत ने जितने भी ऑर्डर थे दूसरे देशों को वो सारे कर दिया कैंसिल, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत में ऐसा कोरोना बिगड़ा कि अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब भारत में हालात सही हो रहे हैं, और कोरोना वैक्सीन भी भारत में पर डे लगभग 50 लाख 21 दिन हो गए हैं, लगभग पर डे 50 लाख का एवरेज आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 50 लाख वैक्सीन पर डे इंडिया में लग रही है। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान वैक्सीनेशन को लेकर सीरियस नहीं है, और अगर फिर से कोरोना इस क्षेत्र में आता है, इस एरिए में आता है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्हें बाहर जाना है तो वैक्सीन का मतलब उनके पासपोर्ट पर एक ठप्पा होगा कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी है, उस वैक्सीन के आधार पर आप आ सकते हैं। इंडिया को भी ये प्रॉब्लम आएगी, इंडियंस को ये प्रॉब्लम आनी थी, लेकिन कोविडशील्ड जो एस्ट्राजेनिका का ही, मतलब इंडिया में कोविडशील्ड नाम से बिक रही है, तो एस्ट्राजेनिका की ये वैक्सीन यूरोप देश में वैलिड है, इंग्लैंड में वैलिड है, यहाँ लगवा कर आप सीधे ये वैक्सीन जा सकते हो। कोवैक्सीन को लेकर अभी कुछ सवाल हैं, लेकिन कोवैक्सीन को लेकर भी उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हमें इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोवैक्सीन जो अभी जो डेल्टा वेरियंट आया है कोरोना का, नया वेरियंट आया है, उसके खिलाफ भी अच्छा असर खा रही है, जो कि हमारे लिए एक प्राउड फील करने वाली बात है कि जो टोटली मेड इन इंडिया वैक्सीन है वो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी अच्छा खासा असर दिखा रही है। तो दोस्तों पाकिस्तान में जो आपने स्टार्टिंग में क्लिप देखा, उस क्लिप में आपने देखा कि वैक्सीन को लेकर जो वैक्सीन सेंटर है इस्लामाबाद में, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर तनाव मच गया, और हालात ऐसे हो गए कि दंगे जैसे हालात हो गए। उनको वैक्सीन स्लिप दी गई, लेकिन वैक्सीन के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिला, और वो पाकिस्तानी जो बाहर जाना चाहते हैं, उन पाकिस्तानियों की ऐसी हालत है कि वो घर के ना घाट के, वो फंस गए घर में। वैक्सीन इमरान खान मंगवाने के लिए सीरियस नहीं है, ले देकर एक चाइनीज़ वैक्सीन का नाम पाक वैक रख के उसको मतलब लगाने की कोशिश की जा रही है, और उस वैक्सीन को लगाने के लिए पाकिस्तान के लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। चाइनीज़ वैक्सीन को लेकर भी पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में सिचुएशन क्या बनती है। इंडिया का जब तक स्टॉक पूरा नहीं होता, इंडिया का खुद का स्टॉक पूरा होगा, अब इंडिया तब दूसरे देशों को वैक्सीन देगी, क्योंकि इस बार इंडियन गवर्नमेंट नहीं देखेगी कि हमारे देश में कितने कोरोना केसेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पहले इंडिया का वैक्सीन का स्टॉक पूरा होगा, उसके बाद हम दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन डिलीवर करेंगे। आपको पता है पिछली बार गलती हो चुकी है, जब हम समझे थे कि कोरोना हमारे देश से बिल्कुल चला गया, उस टाइम पे वाकई में कोरोना बिल्कुल भी नहीं था, 10,000 एक्टिव केस भी नहीं थे, दो महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन एक तूफान आया, और आपको भी पता है तूफान में क्या हुआ, अब केसेस बहुत कम हो रहे हैं। 2-3 राज्य हैं जहाँ पर केसेस हैं, केरला है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और कर्नाटका है, इन राज्यों में ही केसेस आ रहे हैं। और कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, यहाँ तो केसेस बहुत कम है, मतलब 100 का एवरेज भी नहीं आएगा इन देशों, इन स्टेट के केसेस का। तो कोरोना की स्थिति कंट्रोल है भारत में, अगर देखें तो 3-4 राज्य को छोड़ दें तो कोरोना भारत में लगभग लगभग बहुत ही कम है। उम्मीद करते हैं ये ऐसे ही सिचुएशन बनी रहे, और आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि भारत में अब दिख रहा है वैक्सीन को लेकर लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी कम हो गया है, वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। आप आधार कार्ड कुछ भी लेकर जाएं, पैन कार्ड, सीधा वैक्सीनेशन हो जाएगा। प्लीज़ वैक्सीन जरूर लगाएं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देखो भारत में 35 करोड़ लोगों को लगभग वैक्सीन लग गई है, अगर किसी को कुछ होना होता तो अब तक 35 करोड़ लोगों का आपके पास एक सैंपल साइज़ है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें।